आज हम लोग सिवान के माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह जी के आवास पर पूरे डाक परिवार उपस्थित हैं, जिसमें हमारे सिवान प्रमंडल के डाक अधीक्षक श्री रंजन शुक्ला सर हैं, मैं महाराजगंज अनुमंडल का अनुमंडलीय डाक अधिकारी अरविंद कुमार रमन, मेरे साथ राकेश कुमार पश्चिमी अनुमंडल के डाक अधीक्षक हैं और इस केंद्रीय अनुमंडल के इंचार्ज हैं पुरुषोत्तम प्रसाद शाखा डाकपाल हैं, टी कसिया के यहाँ के स्थानीय मुखिया जी हैं, यहाँ के स्थानीय शाखा डाकपाल हमारे बाएँ खड़े हैं। ये जो आज आयोजन जो यहाँ पर आज हरी झंडी दिखाया गया हमारे माननीय सांसद महोदय के द्वारा, उसका नाम है चलंत डाकघर। और यह चलंत डाकघर हमारे माननीय सांसद महोदय के आग्रह पर पूरा डाकघर यहाँ चल करके आया है और उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी थी कि चूंकि यहाँ नॉन सीवीएस ऑफिस है तो हमारे डाक अधीक्षक महोदय से उन्होंने कहा था कि हमारे इलाके में भी जहाँ नॉन सीवीएस है तो कम से कम चलन पोस्ट ऑफिस शुरू कराया जाए ताकि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो भी रकम आ रही है वो हमारे क्षेत्र की जनता को मिल सके। इसी चीज़ को देखते हुए हमारे उत्तरी प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर के माननीय डाक महाध्यक्ष श्री अशोक कुमार और माननीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री अनिल कुमार सर के निर्देश पर आज हमारे माननीय सांसद महोदय के द्वारा हरी झंडी दिखा करके उस मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है। उसका सबसे बेनिफिट जो है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत आधार ATM और माइक्रो ATM के तहत लोगों का DBT की राशि का भुगतान किया जाना है। इसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 सितंबर 2018 को देशव्यापी किया गया था और आज हम सभी बैंकों पे भारी पड़ रहे हैं। पिछले दिनों हमारे माननीय संचार मंत्री जी के द्वारा और गृह मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार पोस्ट ऑफिस भी कोरोना फाइटर के रूप में आज के डेट में साबित हो रहे हैं, जिसको लोग चर्चा का विषय भी बनाए हुए हैं। इसी चीज़ को देखते हुए आज इस ग्राम में यहाँ से माननीय सांसद महोदय के द्वारा जब हरी झंडी दिखाकर शुरू की गई तो यहाँ पर लोगों में उत्साह देखा गया और बहुत लोगों का आज यहाँ पर अकाउंट भी ओपन किया गया और पैसे की निकासी की गई। इसकी शुरुआत हमारी माननीय सांसद महोदय का खुद का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से खाता खोल करके, उनके पति श्री अजय कुमार सिंह जी का खाता खोल करके हम लोगों ने शुरुआत किया, शुभारम्भ किया। इसका बेनिफिट ये है कि आपका किसी भी बैंक में खाता है उसमें से आप मिनिमम 100 रुपया और अधिकतम 10,000 रुपये तक की निकासी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई पासबुक की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप आधार नंबर हमारे पोस्टमैन को, हमारे ग्रामीण डाक सेवक को बताएंगे और एक मोबाइल आपके साथ में होगा, उस पर OTP आएगा, वो OTP उस पर इन करेंगे, आपसे सिर्फ बैंक का नाम पूछेंगे, वो बैंक का नाम क्लिक करेगा, आपको जितना रकम चाहिए होगा उतना रकम भरेगा और वो पैसे की निकासी आपको हो जाएगी। अभी वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रहा है और इस महामारी के दरमियान जो पूरे देश में लॉकडाउन हुआ है, इस परिस्थिति में हमारे जो गांव ग्रामीण इलाके के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। इन परेशानी से बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये बहुत बड़ा शुभारंभ किया गया है, जिस परिप्रेक्ष्य में आज ये मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये घर घर जाएगा, हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है, उस नंबर पे हम कॉल कर करके और जो भी जनता जिनको पैसे की ज़रूरत होगी वो डिमांड करेंगे और पोस्टमैन उनके घर तक पहुंचेगा। इसीलिए इस बैंक का नाम आपका बैंक आपका द्वार रखा गया है और इससे हम उम्मीद करते हैं कि सिवान जो मैडम का लोकसभा क्षेत्र है इसके अंतर्गत जितने भी शाखा डाकघर हैं, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी CBS उप डाकघर हैं जो सब पोस्ट ऑफिस हैं और उनके जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं वो ऑलरेडी इस सुविधा से जुड़े हुए हैं और उनके ब्रांच पोस्ट ऑफिस में कोई भी हमारा ग्राहक जाकर के इस पैसे को निकासी कर सकता है या उनको अपने दरवाजे पर बुला सकता है। और इससे सबसे बड़ी सुविधा ये हो रही है कि जो बैंकों में CSP पे लगने वाली भीड़ है उससे निजात हो सकता है और इस चीज़ के लिए हम पूरे डाक परिवार की तरफ से माननीय सांसद महोदया का दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समय दिया और समय देकर के अपनी जनता के लिए इस मोबाइल वैन की शुरुआत करने में पहल की और उसमें हम लोगों ने बराबर की भूमिका अदा की। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जनता उससे लाभान्वित होगी और हमारा देश कोरोना मुक्त होगा और इस लॉकडाउन के पीरियड में डाक विभाग की तरफ से भी हम लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करेंगे, अपने मुंह पे मास्क लगाए रहेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे और जितना हो सके अगर इमरजेंसी ना हो तो घर से बाहर ना निकलेंगे, उनको पैसे की आवश्यकता होगी तो डाकघर को एक कॉल करेंगे, उनके दरवाजे पर डाकघर पहुँचेगी और पैसे की निकासी होगी। मैडम आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दिसंबर से लेकर के अभी तक सिवान जिला में लगभग 1,20,000 अकाउंट
खुलवाया गया है आईपीवीवी के द्वारा, जिसमें की सारी सुविधाएं हैं। और आज के डेट में लगभग 350 से 400 ग्राहकों को हम लोग दूसरे बैंक से पैसे निकाल कर दे रहे हैं। और आप लोग का अगर सहयोग आता है थोड़ा सा आपके प्रयास से, हम इसको 1000-2000 तक भी पहुंचा सकते हैं। आज थोड़ा सा दिखा दीजिए, देखिए आज इस कोरोना महामारी में हमने अपने सिवान लोकसभा क्षेत्र के लिए डाक घर के सभी अधिकारियों को अपने यहाँ बुलाया और पोस्ट पेमेंट यानी कि चलन डाक घर की शुरुआत यहाँ पे से की गई, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तबके के लोग रहते हैं उनको काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है, वो बैंक में जाते हैं डाकघर में जाते हैं, तो इस चलन डाकघर के द्वारा वो अपने यहाँ इन अधिकारियों को बुलाएंगे और अपनी राशि को वहीं से निकासी करेंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके और जो कोरोना की लड़ाई में हम सभी देशवासी एकजुट होकर अपने देश को जिताने का कार्य कर रहे हैं उसमें अहम भूमिका यह पोस्ट इंडिया जो पोस्ट इंडिया है वो अपना कार्य कर रहा है चलंत डाक घर। और सभी को इतनी सारी शुभकामनाएँ हैं कि आप सभी इतनी मेहनत करके सभी को जो आप जो अपेक्षाएं हैं सभी की उस अपेक्षाओं पर आप खरे उतर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ रूरल एरिया चौरी क्षेत्र में माननीय सांसद महोदय के आग्रह पर इंडिया पोस्ट बैंक एटीएम की चलंत एटीएम की शुरुआत की गई, जिसमें सिवान जिला के पोस्टल सुपरिटेंडेंट झा जी हैं रंजन शुक्ला जी, इनके साथ हमारे दो दो पोस्टल इंस्पेक्टर अरविंद रमन जी और राकेश यादव जी और इनके साथ और पुरुषोत्तम जी हमारे हैं और हमारे स्थानीय पोस्ट मास्टर श्री कामेश्वर सिंह जी हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। आज यहाँ चौरी क्षेत्र से शुरुआत किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जनता जनार्दन को पैसा निकासी में और जमा करने में कोई तकलीफ न हो, कोई परेशानी न हो और सोशल डिस्टेंसिंग टूटे न, इसके लिए विशेष करके यह कारगर साबित होगा आज इंडिया पोस्ट बैंक चलंत एटीएम जिसकी शुभारंभ हुई है माननीय सांसद महोदय जी ने की है। और सिवान जिला के पूरे पोस्टल से जुड़े हुए इंडिया पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए जितने हमारे अधिकारी उपस्थित हैं हम उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने यहाँ आकर के माननीय सांसद जी के यहाँ आकर के इतनी जागरूकता फैलाई और हमारी भी खाता खोले हैं और माननीय सांसद जी का भी खाता पोस्ट इंडिया पोस्ट बैंक में खुला है। हम पूरी जनता को आग्रह करना चाहते हैं कि जो भाग दौड़ चल रही है आज बैंकों में उससे बाहर निकलने की जरूरत है और इंडिया पोस्ट बैंक के खातों को यूज करने की जरूरत है। इंडिया पोस्ट बैंक एक ऐसा आपके घर का बैंक है कि आप कॉल करेंगे आपके दरवाजे पर बैंक पहुंच जाएगा, इंडिया पोस्ट बैंक पहुंच जाएगा चलंत एटीएम के माध्यम से। आपको अकाउंट खुलवाना है आपके गांव में जाकर के अकाउंट खुल जाएगा, आपको पैसा निकालना है आपके घर तक जाकर के या चलंत एटीएम से पैसा निकाल करके आपको दे दिया जाएगा। इस तरह का हमारा इंडिया पोस्ट बैंक काम कर रहा है और इंडिया पोस्ट बैंक के हमारे जितने अधिकारी हैं इतने उत्सुक दिख रहे हैं, जागरूक दिख रहे हैं कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कोरोना महामारी में हम सुविधा पहुँचाएँ। यह उत्सुकता यहाँ चौरी क्षेत्र में आने का वजह ही पता चल जाता है कि कितना उत्सुक है। यह उत्सुकता का परिचय है कि यहाँ आ करके और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों बहुत सारे लोगों का अकाउंट भी खुला, बहुत सारे लोगों का पैसा निकासी किया गया और इतने सुविधा से घर बैठे कुछ नहीं लाना है, एक आधार कार्ड लाना है और पैसा निकाल करके लेके चला जाना है।
और मोबाइल खाली लेकर के आइए और पैसा निकाल करके ले जाइए। इस तरह की सुविधा इंडिया पोस्ट बैंक दे रहा है और इंडिया पोस्ट बैंक में अंगूठा ही आपका अकाउंट नंबर, क्योंकि आप ही के अंगूठा से आपका अकाउंट खुल सकता है, इसलिए आपका अंगूठा आपका अकाउंट है। इस तरह की सुविधा इंडिया पोस्ट बैंक दे रही है और इसका लाभ लेने की जरूरत है। आप जहां बुलाइएगा, जहां पुकारिएगा, इसका एक टोल फ्री नंबर है जो जारी किया जाएगा। और टोल फ्री नंबर है, इस पर हम बताएंगे विस्तार से, शाम को लाइव आएंगे, बताएंगे आप सबको टोल फ्री नंबर। और किसी भी बैंक से पैसा निकालना है तो इंडिया पोस्ट बैंक से निकल सकता है, किसी भी बैंक में जमा करना है तो इंडिया पोस्ट बैंक से जमा हो जाएगा। इतनी सुविधा इंडिया पोस्ट बैंक दे रही है, इसको यूज करने की जरूरत है, इसका लाभ लेने की जरूरत है। ये भारत सरकार का है, इसमें कहीं कोई फ्रॉड नहीं है, इसलिए कहीं कोई कमीशन नहीं है, इसलिए इसको यूज करने की जरूरत है। ग्रामीण जनता के लिए खास करके ये इंडिया पोस्ट बैंक बनाया गया है और इसे सभी लोग यूज कर सकते हैं, ग्रामीण हो, शहरी हो, सभी क्षेत्र के लोग यूज कर सकते हैं। इसलिए आज उद्घाटन हुआ है, अपने सभी इंडिया पोस्ट बैंक के सारे स्टाफ जो सिवान जिला के हैं उनको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। रूरल एरिया चौरी क्षेत्र में माननीय सांसद महोदय के आग्रह पर इंडिया पोस्ट बैंक ATM की चलंत ATM की शुरुआत की गई, जिसमें सिवान जिला के पोस्टल सुपरिटेंडेंट झा जी हैं, रंजन शुक्ला जी, इनके साथ हमारे दो दो पोस्टल इंस्पेक्टर अरविंद रमन जी और राकेश यादव जी, और इनके साथ और पुरुषोत्तम जी हमारे हैं, और हमारे स्थानीय पोस्ट मास्टर श्री कामेश्वर सिंह जी हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। आज यहाँ चौरी क्षेत्र से शुरुआत किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जनता जनार्दन को पैसा निकासी में और जमा करने में कोई तकलीफ न हो, कोई परेशानी न हो और सोशल डिस्टेंसिंग टूटे न, इसके लिए विशेष करके यह कारगर साबित होगा आज इंडिया पोस्ट बैंक चलंत ATM जिसकी शुभारम्भ हुई है, माननीय सांसद महोदय जी ने की है, और सिवान जिला के पूरे पोस्टल से जुड़े हुए, इंडिया पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए जितने हमारे अधिकारी उपस्थित हैं, हम उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने यहाँ आकर के, माननीय सांसद जी के यहाँ आकर के इतनी जागरूकता फैलाई और हमारी भी खाता खोले हैं और माननीय सांसद जी का भी खाता पोस्ट इंडिया पोस्ट बैंक में खुला है। हम पूरी जनता को आग्रह करना चाहते हैं कि जो भाग दौड़ चल रही है आज बैंकों में, उससे बाहर निकलने की जरूरत है और इंडिया पोस्ट बैंक के खातों को यूज करने की जरूरत है। इंडिया पोस्ट बैंक एक ऐसा आपके घर का बैंक है कि आप कॉल करेंगे आपके दरवाजे पर बैंक पहुंच जाएगा, इंडिया पोस्ट बैंक पहुंच जाएगा चलंत ATM के माध्यम से। आपको अकाउंट खुलवाना है, आपके गांव में जाकर के अकाउंट खुल जाएगा। आपको पैसा निकालना है, आपके घर तक जाकर के या चलंत ATM से पैसा निकाल करके आपको दे दिया जाएगा। इस तरह का हमारा इंडिया पोस्ट बैंक काम कर रहा है और इंडिया पोस्ट बैंक के हमारे जितने अधिकारी हैं इतने उत्सुक दिख रहे हैं, जागरूक दिख रहे हैं कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कोरोना महामारी में हम सुविधा पहुँचाएँ। ये उत्सुकता यहाँ चौरी क्षेत्र में आने का वजह ही पता चल जाता है कि कितना उत्सुक है। यह उत्सुकता का परिचय है कि यहाँ आकर के और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों, बहुत सारे लोगों का अकाउंट भी खुला, बहुत सारे लोगों का पैसा निकासी किया गया और इतने सुविधा से घर बैठे कुछ। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।